खूंटी जिला अंतर्गत एसएस उच्च विद्यालय खूंटी स्थित अनुसूचित जनजाति बालक कल्याण छात्रावास की जर्जर स्थिति पर मैंने वर्ष 2012 में एक वीडियो बनाई थी, जिस पर अभी बदलाव आ चुका है। मैं अमिता और यह है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। यहाँ की मूलभूत समस्या यही है कि यहाँ बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में है। बरसात के दिन में पानी चूता है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, पानी की समस्या है, यहाँ इंचार्ज नहीं रहते हैं। खिड़की दरवाजा टूटकर गिरने की स्थिति में है। छात्र अपनी सुरक्षा के लिए खिड़की को रस्सी से बांधकर तथा प्लास्टिक एवं बैनर कपड़ा का पर्दा लगाकर रहते हैं। छात्र जिस कमरे में रहते हैं उन दीवारों में पीपल की जड़ें निकल आई है। छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। कोई सेना में जाना चाहते हैं तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई आईपीएस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ का समस्या हल हो जाएगा तो लगता है कि लड़का लोग यहाँ से बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं। ये 2012 में बना था और हम ही लोग बनाए थे ये वीडियो। तो वीडियो बना के हम लोग को यही फायदा मिला कि हम लोग का छात्रावास का मरम्मत हो रही है अभी, और अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, होने ही वाला है, बारिश के चलते रुका हुआ है। फरवरी में इसका टेंडर हुआ है समझे ना, और मार्च में हम लोग काम शुरू कर दिए, काम चालू कर दिए, एक महीना काम चला हम लोग का। तो उसके बाद कल्याण विभाग से रिपोर्ट आता है कि नहीं ये काम बंद कर दिए, अभी इसमें कोई फंड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। मतलब विभाग की ओर से अभी आप लोग को कोई वजह से लिखित सूचना नहीं दिया है? अभी तक कुछ नहीं मिला है, इतना तक कि नोटिस भी नहीं मिला है कि ये काम करना है कि नहीं करना है, ऐसा भी कुछ नहीं, ना एक रुपया अभी तक कोई फंड नहीं मिला। मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी से भेंट नहीं होता है। कोई कहता है कि हाँ अभी फलाना साहब नहीं है, उनका साइन नहीं हुआ है। एग्रीमेंट में तो हम लोग साइन कर दिए हैं, एग्रीमेंट तो हो गया है, मगर वो अभी साहब लोग का सिग्नेचर वगैरह से बाकी है। भारत में कहा गया कि निर्मल भारत अभियान, जबकि हम लोग का हॉस्टल में शौचालय की सुविधा नहीं है, तो इसको लेकर के क्या कदम उठाइएगा? इसको लेकर के कल्याण पदाधिकारी से हम लोग मिलने का निर्णय लिए। मैं इस कार्य से खुश हूँ, क्योंकि जब से छात्रावास बना पहली बार मरम्मत का कार्य हुआ और छात्रावास को छात्रों के रहने के लायक बना दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन अधिकारियों को जिन्होंने बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये हमारी मदद करते रहेंगे। और छात्रावास में शौचालय की जो समस्या है इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अधिकारी के ध्यान आकृष्ट करने हेतु नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और हमारी मदद करें। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।